नमस्कार, मैं कुसुम कुमारी, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौरहा क्षेत्र से आ रही है, जहाँ 12 दिवसीय अधिकार बचाओ आंदोलन महासभा का समापन गौनाहा प्रखंड में किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोजपा पार्टी SC ST के जिला अध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने किया। इस सभा के मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य इंजीनियर शैलेंद्र गढ़वाल थे। वही मंच का संचालन युवा जिला महासचिव हेमंचल कुमार ने किया। वही इस सभा में SC ST प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम पासवान, लोजपा नेता राजकुमार राठौर, SC ST उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, जिला महासचिव रणधीर महतो एवं प्रखंड अध्यक्ष छोटेलाल राम समेत SC ST प्रकोष्ठ कार्यकर्ता एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दरअसल ये सभा में बालू चालू करने तथा बिजली बिल माफ करने की मांग की गई। रिपोर्टर शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। सरकार बंद कर दिया तो बताइए गरीब आप लोग कहाँ रहिएगा? अंधेरे में रहिएगा, अंधेरे में रहना पड़ेगा। जब हम लोग बार बार आपको आपके घर जाकर जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। जो केस बिजली विभाग के द्वारा आप पर किया गया है उसका बिल भी कराना होगा। तो मुजफ्फरपुर सोचिए, बिल कराने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना है मुजफ्फरपुर। बताइए सरकार कैसी कैसी व्यवस्था बनाई है हम गरीबों के लिए। इस सरकार को कांता तक आज इस सभा के माध्यम से हम लोग आवाज भेज रहे हैं कि ये सरकार बीपीएल धारियों का बिजली बिल माफ करो। अरे यहाँ की बालू की समस्या आप बेचो ना बेचो, टेंडर करो, ठेकेदारी करो या छोड़ दो, वो हमारी समस्या नहीं है। लेकिन हम अपना घर उस नदी की बालू से, उस पत्थर से काहे नहीं बनाएंगे? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसी के बाद अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी को, युवा करके यहाँ के जो समस्या है उस समस्या को रखे और बताए। नदी में बालू है, दिन प्रतिदिन नदी का जो है गहराई घटते जा रही है। अगर इसी गति से घटती रही तो आने वाले समय में पानी गांवों से होकर बहेगा। फिर आप कहेंगे कि बाढ़ आ गई, तो बाढ़ क्यों नहीं आएगी? उस नदी से जब जब बालू निकलेगा ही नहीं, पत्थर निकलेगा नहीं, तो उसकी गहराई ऑटोमेटिक घट जाएगी। घटने के बाद वह जो है नदी का पानी आखिर बहेगी कहाँ? कितना मील भरा और भी? 85,000। जोर से बोलिए सुने। 85,000। कितना दिन में? 4-5 साल में। का का जलाई ने? खाली वो वाला जे गर्मी में पंखा दूसर काथी चले बस। आ उतने में 85,000 बिजली विभाग में आवेदन देले रहनी लिख के? तो बिजली विभाग के जे हिसाब का कहले सुधार होई होई होते होते आज तक सुधार होई और भई लिखे। अच्छा लाइन जरत की लाइन काट देले बड़ी जरत चेक को ना जाले भगवानी देवी। 17,000 बिल आयल बा। का नाम हो रहा? उमा देवी। उमा देवी नाम हो? माता वाणी। अच्छा घर कहाँ हो? छतिमी। कितना का बिल आयल बा? 75,000 के बिल आयल बा। 75,000-80,000। कितना का बिल आया? 47,000। जोर से बोलिए कितना? 47,000 का। कितना दिन में आया है? अभी तो मीटर जब से लगा है अभी तक बिले नहीं आया। कितना दिन हो गया लगे हुए? 4-5 साल का। 4-5 साल जी। 47,000 का बिल। कितना बॉल जलाते हैं? बॉल मात्र 2 जलाते हैं। LED वाला? जी। अच्छा, दो पंखा चलाते हैं। 47,000 का बिल आया है। अच्छा आवेदन लिए हैं? जी आवेदन ले लिए। अच्छा यहाँ जमा कराने जा रहे हैं?
अभी जानते बिजली विभाग में बोले हैं इसका दिए हैं एप्लीकेशन जी बहुत बार भी दिए मोबाइल नंबर लिख दीजिए पेपर पे ठीक है मोबाइल नंबर से पूछा जाएगा कंज्यूमर नंबर।